साथ मेरा ये भतीजा है, साथ भतीजी है, और माशाल्लाह दोनों अब डॉक्टर और मैं रुखसती के टाइम रोई भी नहीं थी। फूफो खड़ी हुई है, मेरी छोटी खाला जिनसे मेरी बहुत ज्यादा उस टाइम फ्रेंडशिप थी, ये ब्लू ज्यादा थी, ये मेरे दोनों मामू है, मामानिया। हाँ बहुत कहते हैं तो हम उधर पीछे जाते हैं, नहीं वो इतना नहीं आता। मैं आपको वही तो कह रही थी शुरू में, आपने गूंज का चेक करना, गूंज तो है ही नहीं ना, क्या तो चलो क्या कहना फिर शुरू में ना, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अभी जब मैंने बेसमेंट की अपने होम टूर की पार्ट वन वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की, तो सारी मेरी फ्रेंड्स नाराज थी कि आप लोगों ने नासिर साहब को जो है वो ज्यादा फाखराबाजी आपने क्यों नहीं बोलने दिया। तो मैंने कहा चले हम अलग से वीडियो कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था चले आप ही बता दे, फिर सबने कहना है कि बोलने नहीं दे। उसमें आई थिंक थोड़ा बहुत इको का इशू था, जो आवाज गूंज रही है, बिकॉज वी वर शूटिंग इन द हॉल और हॉल काफी बड़ा है, उस हिसाब से भी वो इज नॉट मच इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, होपफुली वी विल रिजॉल्व इट वेरी सून, एंड आई हैव फाउंड समथिंग दैट वी विल इंस्टॉल ऑन द वॉल्स, और वो आपका इशू जो है वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, और जितना पार्ट जितना आप बोले थे हैं, तो वो वहाँ पे एको इतनी ज्यादा थी कि वो मुझे पैच पूरा जो था ना वो 5 मिनट्स का, या आई डिलीटेड दैट वन। तो आज जो जनाब हम शेयर कर रहे हैं अपनी शादी का एल्बम आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी क्या हुआ कि शिफ्टिंग के दौरान जब सारा सामान निकला ना, तो ये पूरा ब्रीफ केस एक इतना बड़ा बैग है जिसमें हमारे उस टाइम पता है आज से 20-22 साल पहले क्या होता था, ये शादी के एल्बम्स और ये पिक्चर्स हम ना मोबाइल में होती थी, ना कैमराज में, ना हार्ड ड्राइव, कुछ भी नहीं होती थी, तो इसी तरह होती थी। तो पूरा एक हमारे पास था, तो हमने निकाला और मैंने ये अलग करके रख लिया, मैंने कहा इंशाल्लाह ना आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करेंगे। तो आज जनाब हम दोनों मिलके आप लोगों के साथ हमारा शादी का एल्बम शेयर करेंगे, ठीक है। And I will see it after many years. Yeah. Let's see. मैं खुद जो हूँ आज काफी सालों के बाद इस एल्बम को देखूंगी। और आपको याद है कि ये वाला एल्बम हमने खरीदा कहाँ से था, इस्लामाबाद से, ये जहाँ से हमारी शादी की पिक्चर्स हमने डेवलप करवाई थी ना, वहां से जब आप वो पिक्चर्स लाए थे, तो साथ ही वहां से ही आपने ये एल्बम जो था खरीद कर लाए थे, ये वाला, ठीक है। Where to put it? Yeah. चलें क्वेश्चन से थिंकिंग अबाउट शेयर करें। हाँ जी, सब कह रहे थे कि हमारे साथ अपनी शादी का एल्बम जो है शेयर करें, लेकिन थोड़ी सी मैं रिलक्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि फैमिली को भी नहीं थे दिखा सकते, तो मैंने कहा हमने मतलब खुद को क्या करना है, दिखा के आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह अब तो सारे आ जाते हैं यूट्यूब पर। हाँ जी, अच्छा जो ये मैं पहले डिस्क्लेमर लगा रही हूँ, ठीक है, ये जो शादी का एल्बम है ना, ये आजकल के दौर का कोई नहीं है, ये मतलब सब कब शादी हुई थी, 98 में 20 ईयर्स बैक। तो आज से काफी साल पहले जब शादियां होती थी ना, तो दुल्हने ऐसे तैयार होती थी ऐसे। चलो ये आप क्लोज करके दिखा। हाँ जी, मैं क्लोज करके आपको साथ साथ दिखा दूंगी। बहरहाल जब हम एल्बम का फर्स्ट पेज ये ओपन करते हैं ना, तो इस तरह मेरी है पिक्चर्स लगी हुई, हमारी मेरे पर बारात की है। हाँ जी, ये मेरी बारात की है, और अभी भी आप उसी करेंगे, और मैं पूरे 18 साल की थी। और आपकी क्या एज थी? आई वाज 26। हाँ जी, ये है मलिक साहब की पिक्चर्स जो कि सारे बहुत क्यूरियस थे देखने के लिए। हाँ जी, उस टाइम यही होता था, ये बिल्कुल बारात आई थी, तो इनको फूल जो पहनाए थे उन्हीं के साथ ना इनकी पिक्चर्स जो थी। और ये दूसरी साइड पर भी देखे ना, इसी तरह मेरी लगी हुई है ये वाली पिक्चर्स। मैं आपको ना साथ साथ क्लोज करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इधर से तो आइडिया नहीं होगा, और साथ मलिक साहब की ये है, ठीक है। कितना मैं जवान आपके हवाले हुआ था, और मैं बच्ची आपके हवाले हुई थी। इसके बाद जनाब ये नासिर साहब की तरफ से मेहंदी की है पिक्चर्स, जो कि इनके घर के अंदर ही फंक्शन हुआ था, जो ऊपर वाला पोर्शन था, है ना, और माशाल्लाह पिंडी में घर जो है मेरे इन लॉज का काफी बड़ा था उस टाइम, माशाल्लाह, तो ऊपर वाले पोर्शन में जो थी सारी मेहंदी का, ये मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, बहुत रौनक थी, सारी फैमिली इनवाइटेड थी, और उस टाइम पे भी सेम वही ढोलक रखते थे, और बाहर से मतलब मेहंदी लेकर आते थे, सेम वो, अल्लाह का शुक्र है सारी। वैसे इतनी है ना, मुझे अब अपने मोहल्ले की काफी लड़कियां हैं,
जो कि आप सारी मैरिड हैं, सबके बच्चे हो गए हैं, और आपने मेहंदी पे ये देखे ना आपने, ये पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये और रेड कलर का दुपट्टा भी साथ में लिया हुआ, और स्माइल देखो कितनी जेन्युइन और रियल है। माशाल्लाह पता चल रहा है कि आप कितने खुश थे। उन्हीं दिनों मुस्कुराते थे। हाँ जी, उन्हीं दिनों मुस्कुराते थे और अब आपकी हंसी नहीं रुकती, उन्हीं दिनों हल्का हल्का। और ये वाली जनाब पिक्चर्स जो है, ये आपकी सुबह सुबह सिराबंदी की थी, है ना? हाँ, ये वाली। That time we were departing to Sargodha for Miss Fakhra Khan. माशाल्लाह। और ये ड्राइंग रूम में सिराबंदी हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह घर काफी बड़ा था, तो ये अच्छा, सारे साथ मेरा ये भतीजा है, साथ भतीजी है, और माशाल्लाह दोनों अब डॉक्टर्स हैं। एक ने राय से किया और एक ने किंग एडवर्ड से, एंड बोथ आर डॉक्टर्स। मैं आपको नजदीक से दिखा दूं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप, वी आर क्वाइट ओल्ड नाउ। और ये जनाब बारात वाले दिन, पहले जो पिक्चर्स थी हम अलग अलग बैठे हुए थे, और अभी ये वाली पिक्चर्स आप लोग देखे ना कि हम लोग ना साथ साथ बैठे हुए। अच्छा, मोस्टली इसमें बारात हाँ एंड के ऊपर है, मलिमे की ज्यादा, और यहाँ पे हम साथ बैठे हुए थे जब बारात आई थी, तो ये सारी ये इसी तरह ही है, ये आप लोग देख सकते हैं। ऑफिस के कोलीग्स थे मेरे इस्लामाबाद से। और ये वाली जो पिक्चर्स है ना, ये वो बड़ी जो डिस्प्ले नहीं होती, ये वो है, और ये मेहंदी वाले दिन एक्चुअली बनाई गई थी ये वाली, और लेकिन क्योंकि उस वक्त ये दूसरे एल्बम्स होते नहीं थे, तो ये सारी जब हमने डेवलप करवाई, तो मैंने इस एल्बम में ना बिल्कुल उसी सीक्वेंस से रखी, जिस तरह बारात आती है और फिर वो बड़ी दिखाते हैं, और ये वो फिर ये मैं अपनी सिस्टर्स के साथ आई थी, दोनों उनके साथ, वो मुझे लेकर आई थी हॉल के अंदर, और मैं शादी वाले दिन खुद ही तैयार हुई थी, ये मेकअप वगैरह मैंने खुद ही किया था। पार्लर्स का था भी नहीं रुझान? नहीं था भी, ना सिर्फ था भी, बहुत था, बहुत लोग होते भी थे, लेकिन हमारी फैमिली में इतना कोई नहीं था। और ये मेरे साथ जना बैठी गई है मेरी छोटी खाला, जिनसे मेरी बहुत ज्यादा उस टाइम फ्रेंडशिप थी, ये ब्लू साड़ी में, और मेरी ये है व्हाइट कलर में, इधर मेरे साथ बैठी हुई है ये मेरी, ये क्लास फेलो भी थी, फ्रेंड भी थी। मैं फेस के ऊपर हाथ इसलिए रख रही हूँ कि पता नहीं अब उनकी फैमिली की तरफ से अलाउ ना हो यूट्यूब के ऊपर दिखाना। और ये मेरी मेहंदी की पिक्चर है, और मेरे ख्याल में आई थिंक ये एक ही होगी, कुछ ही है मेहंदी की मेरी पिक्चर्स इधर, क्योंकि वो अलग से एक एल्बम में पड़ी हुई है, जो मेरी अम्मी की साइड पे मेरी मेहंदी अलग हुई थी, और इनकी मेहंदी ज़ाहरा पिंडी में थे, तो रात को इनकी अलग थी। तो ये हम लोग बैठे हुए हैं, और ये जनाब दूध पिलाई की रस्म हो रही है, और इसमें आपने निकाह का नहीं बताया, इसमें एक चीज व्यूअर्स बता दें, निकाह सितंबर में हुआ था, और नहीं ना सर, उसके ऊपर तो मैंने कंप्लीट एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, माय लव स्टोरी, बल्कि उसका थंबनेल आपको यहाँ से नजर आएगा, और उसको आज कितने लाख जो है वो व्यूज हो चुके हैं, और उसमें मैंने सारा अपना निकाह का, हमारा कैसे हुआ, रिश्ता कैसे हुआ, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये जनाब अभी दूध पिलाई की रस्म हो रही है, रास्ता कर रही थी, और मैं क्योंकि बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो कोई इतना मैंने अपनी शादी को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी बहन भाइयों को भी इवन तैयार करने की। छोटा भाई ये शानी आप देखें जरा, अब वो बैठे हुए हैं, तो वो साथ ये जिसका अब अभी चैनल भी है, तो वो भी खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ, मतलब वो इतना छोटा था। ठीक है, मैं साथ साथ आपको नजदीक से दिखा रही हूँ, तो आप फिर सोच लें कि जब आप कितने छोटे बहन भाई हो, तो आपकी शादी भी हो, तो आप कैसा फील करते हैं। मैं बहरहाल अपनी शादी की पिक्चर्स देख के कोई इतनी खुश भी नहीं होती। माशाल्लाह शादी तो अच्छी हो गई, नासिर साहब के साथ जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर गई, लेकिन वो जो दिन थे ना बहुत कुछ अजीब से थे, या तो काम बहुत ज्यादा था मतलब फैमिली इकट्ठी हो ना। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी थी तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, ये मेरे दोनों मामू है ममानियां, और माशाल्लाह मेरी शादी के ऊपर मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, मेरे ददिहाल भी, मेरे ननिहाल भी, सारी खालाएं, नानके, मेरी नानी अम्मा, ये अल्लाह उनको लंबी लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, वो ये मेरे साथ बैठी हुई हैं। ये मैं आपको ना नजदीक से साथ साथ दिखाती जाऊंगी। बहरहाल बारात आई थिंक ना सर 2-3 घंटे ही रहती, तो ये पूरा एल्बम है जो पूरी फैमिली के साथ है, ये मेरे बहन भाई साथ बैठे हुए, उस टाइम छोटे छोटे थे, मतलब मैं अगर 18 साल की थी तो वो कितने थे, राजा 9th में पढ़ती थी, 8th में कुछ ऐसे ही थे, 8th में, शानी उससे भी छोटा था। और ये जनाब हमने जो वो एक रस्म की थी अखबार के अंदर, वो
थोड़े से पैसे जो थे वो रैप करके इनको दिए थे मेरी सिस्टर ने, और ये वो इतनी पैकिंग में हमने पैक किया, एक्चुअली इन्होंने मुझे इतना बड़ा बॉक्स दिया तो वो बस रैप खोलते रहे उसके रैपिंग इतनी इन्होंने न्यूज़पेपर्स में कर करके अल्टीमेटली दैट एंड अप विद अ कॉइन इन इट. तो उसने चलो ठीक है, एक एंजॉयमेंट थी, लेकिन बट दैट टुक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज हम तकरीबन 1 बजे पहुंचे थे सरगोधा बारात लेके. तो वो अपना रिफ्रेशमेंट इतना भी नहीं, बट 10 to 15 minutes लगे थे. आपने पूरे ऐसे ऐसे करके इकट्ठे फाड़े थे, आपने भी कोई सबर से नजर नहीं आ रहा था ना उसके अंदर है क्या, बस ओपन करते, लेकिन वो अब टाइम याद आता है, अच्छा लगता है बस. तो वो मेरे ख्याल 2-3 घंटे हम रुके थे, वी लेफ्ट अराउंड एट 4, नहीं आई थिंक 3 o'clock वी लेफ्ट. और ये जनाब मेरी रुखसती की पिक्चर है, ये साथ में मेरी फूफो खड़ी हुई है, और ये कुरान पाक जो है ये इसका कवर भी मैंने खुद सिलाई किया था, ये वाला जो कुरान पाक ऊपर रखा हुआ है. और वे शादी वाले दिन थे, आज भी मैं खुदी हुई थी, और मैं रुखसती के टाइम रोई भी नहीं थी, आपको पता मुझे मेरा एक आंसू नहीं निकला था, क्योंकि मैं परेशान एक तो इतनी थी कि बस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब मुझे इंतजाम की तरफ मेरी ज्यादा टेंशन थी तो बस. और माशाल्लाह मैं खुश भी थी, मतलब शादी से खुश थी. तो और रास्ते मैंने बहुत वॉमिट किया धड़ाधड़, क्योंकि मैं बिल्कुल गाड़ी में बैठ नहीं थी सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती थी, तो मेरी कोई इतना अच्छा वो भी नहीं गुजरा. चलो शादी के टाइम तो जो घर में उधर हॉल में फील किए किया तो कोई वो भी इतना अच्छा नहीं था. बरन मोटर में भी न्यूली ओपन, तो एक लॉन्ग ड्राइव और उस वजह से थोड़ा बहुत इनका ना तबीयत खराब रही थी. लेकिन एक बात है कि अभी मैंने एल्बम रखा है ये, और मैं देख रही हूँ कि अब काफी लोग हैं इनमें, इसमें ना कि जो आज हम में नहीं है. और मैं पहले बल्कि अभी जब शूट करने लगी थी तो वही देख रही थी, अल्लाह सबको जन्नत में जगह दे, उसमें नासिर के अम्मी अबू भी हैं जो कि शादी जिन्होंने खुद की थी, और अब वो सिर्फ एल्बम्स में है और अब वो हमारे साथ नहीं है, और बोल जाता है अल्लाह ताला बख्शिश करे. ये बाकी मेरे वलीमे की तस्वीरें हैं, ये सारी वलीमे की हैं, और मैं वलीमे की पिक्चर्स भी आपको दिखाती हूँ. अच्छा वलीमा जो है वो हमारा पीसी में हुआ था, पीसी कौन, हाँ पीसी रावलपिंडी में, तो ये उसकी पिक्चर्स हैं सारी. तो ये सारे नासिर के फ्रेंड्स थे, इन्होंने बड़े गिफ्ट दिए, बड़ा इन्होंने नासिर को तंग किया. ये वाली वो पिक्चर है जब मेरा रिश्ता हुआ था, मैंने कहा हुआ था तो मुझे भेजी गई थी देखने के लिए, मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ ठीक है. और हाँ जी ये वाली की, ये वाली, ये दो पिक्चर्स थी जो मुझे भेजी गई थी माशाल्लाह उन दिनों. और ये वाली वो पिक्चर है मलिक साहब, ये तो सेम वही है, ये वही है कि जिस दिन मेरा रिश्ता देखने के लिए ये आए थे ना, तो ये उससे एक रात पहले की इन्होंने पिक्चर बनाई थी. आप लोग कलर कार गए थे फ्रेंड्स के साथ, ये कलर कार गए थे, और इसका सीन ये कि मैं कलर कार से वापस आया तो अम्मी ने बोला कि यार सुबह हमने जाना है, तैयार है ना भाई, हमने एक जगह जाना है भाई, एक काम है. तो मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा बस तुमने गाड़ी ड्राइव करनी है और चलना है साथ. तो वो बस अम्मी अबू और साथ मैं था, एंड वी कम टू सरगोधा. मैंने रास्ते में पूछा उनसे कि क्या सीन क्या है, कोई बताएं तो सही, कोई खैरियत है कि किधर जा रहे हैं. तो वो असल में इनके घर आए थे देखने, और वहाँ पे फिर अम्मी ने मेरे से पूछा था, और इनको माशाल्लाह देखते ही मैंने कहा था ठीक है अम्मी, जो आपकी मर्जी है वो मेरी मर्जी. और ये जनाब मेरे निकाह की पिक्चर है, ये वाली मैं आपको नजदीक से, एंड ये निकाह के दिन की नहीं थी, निकाह के दिन जो हमारी पिक्चर्स बनाई गई थी वो सारी खराब हो गई थी. और उसके बाद जनाब ये वाली जो है ना पिक्चर, ये मेरी शादी के कुछ दिन बाद की है, और आपको पता है कि 20 साल पहले कोई भी शादी जो थी ना वो इस तरह की साड़ी के बगैर नहीं थी हो सकती. और ये हमारे वलीमा की है पिक्चर, हम तो ये कटी, और ये नासिर की फेवरेट पिक्चर थी, दिस इज माय फेवरेट. और उसको मेरे पास अभी इसको हमने लार्ज साइज में भी था, बड़ा करवा के ना डेवलप, वी पुट इट ऑन ओवर, एंड वी स्टिल हैव दैट पिक्चर, आई स्टिल हैव दैट थिंग, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज. और शादी के बाद जनाब हम गए थे सवात, स्वाद के थे, और ये वहाँ की पिक्चर्स है, मैं आपको ना नजदीक से सारी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी है. और मैं आपको बल्कि ये वाली पिक्चर एक दिखाती हूँ, जहाँ से ना आपको मेरा जरा स्ट्रक्चर पता चलेगा कि मेरी उस टाइम वेट जो था मेरा 48 kg था जब मेरी शादी हुई थी. हाँ जी, ये वापसी पे लास्ट डे जब हम वापिस आ रहे थे ना, और उस दिन. और ये जनाब है हमारी पिक्चर शादी के बाद, आपको याद है एक दो माह, हाँ नवंबर में हुई थी ना, दिसंबर के एंड या जनवरी में ना, तो ये स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, हम
मरी हम सुबह उठे तो अबू ने कहा कि भाई उधर बर्फबारी हो रही है तो तुम लोग ना आ जाके वहां पे हो क्या हो। तो मेरे कोई ट्रेवल कितनी वो अच्छी नहीं थी, मैं हसबे आदत जनाब आते जाते लगी रही, सिस्टर भी थी मेरी, हाँ सिस्टर भाई भी थे, अम्मी भी थी, अम्मी भी थी, अम्मी भी थी। उस टाइम वी वेंट टू मरी फॉर दैट और वी एंजॉयड अ लॉट बिकॉज़ लॉट ऑफ स्नो, वी हैव टू पार्क कार लॉट बियॉन्ड मरी पॉइंट, क्योंकि वहां से फिर वॉकिंग करके सारे गए थे आगे, बहुत बर्फबारी। बाकी ये जनाब हमारी सारी शादी के बाद की पिक्चर्स हैं और बहुत ज्यादा है, मैं आपको कौन कौन सी इसमें से दिखाऊं, काफी मेरी अच्छी फेवरेट भी हैं। उन दिनों हम यही बनाते थे पिक्चर्स और मैं तो हमेशा से एक अंदरूने जो मॉडल होती थी ना वो मेरी ऐसे बाहर निकलती थी। उन दिनों बड़ा होता था ये, मतलब ग्लासेस ये ब्लैक लगा के और इस तरह की पिक्चर्स बनाना। लेकिन जो सबसे एक बुरा था ना उन दिनों का फैशन, वो ये था कि आईब्रोज ज्यादा ओवर प्लग्ड होती थी तो वो जरा अच्छी नहीं थी लगती। मलक साहब की ये वाली पिक्चर मेरी बहुत फेवरेट है, कुछ मैं आप लोगों को नजदीक से दिखाऊंगी। उसके बाद जो नाम माशाल्लाह से बच्चों का स्टार्ट हो जाता है काम। उमेर साहब आए थे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, तीनों बच्चे आ गए। बच्चे मेरे माशाल्लाह ना जब छोटे थे तो बहुत उनकी अच्छी सेहत थी, मतलब बड़े गोपलू से थे और वेट काफी अच्छा था और माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद थे और बड़ी मैं उनकी केयर भी करती थी। तीनों बच्चे मेरे बहुत हेल्दी थे और बस अल्लाह का शुक्र है उनका बचपन जो था वो बड़ा अच्छा गुजर गया। मैं उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये उमेर की और उसैर की, साथ साथ मैं नेम भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। आप तो उनके अपने चैनल्स हैं उसैर का और शाम का, आप तो माशाल्लाह यंग हो गए हैं। और ये था हमारी शादी का एल्बम जनाब। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों ने इंजॉय की होगी और नासिर साहब को आज मैंने मौका तो काफी दिया बोलने का, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह करे कि बस इंसान खुश हो और एक दूसरे के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगी कि आज इतने साल गुजर गए हैं एक दूसरे के साथ हम इतने खुश हैं, घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशियां हैं। खुशियां इस तरह ही होती हैं कि आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें और दूसरे पर्सन भी एज इंसान उसको थोड़ा सा गैप दिया करें, वो भी अपनी सोच भी रखता है, उसकी अपनी मर्जी और खुशी भी होती है, अपनी मर्जियां और मुसल्लत ना किया करें, थोड़ा गैप भी रखा करें। और सेकंड नंबर के ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई ना रखा करें, थोड़ा हाथ होला रखा करें तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों ना सरसा। Yes, sure, you are right in a sense and I totally agree with all your thoughts and until unless mia biwi ek direction mein na soch raha to bada mushkil ho jata hai ghar ko run karna. Exactly. Alhamdulillah you are right. Ghar bhi usse effect hota hai, matlab disturb hota hai, lekin bacche bahut zyada disturb hote hain. Agar parents jo hai unko apne hi masle pade rahe hain aur wo jo hai wo ghar ka matlab ek puri family ka na soche. और आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हमने कहा थोड़ा डिफरेंट लेकर आए आपके लिए और मलक साहब को भी आज टाइम मैंने दिया बोलने का, अगर आप भी नहीं दिया मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड व्यूअर्स थैंक यू फॉर योर अफेक्शन एंड एप्रिसिएशन फॉर द वर्क दैट मिस इज डूइंग ऑन हर चैनल। थैंक यू सो मच आपकी हेल्प का जो आप इतनी करते हैं, थैंक यू। ठीक है तो हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।